जवाब जवाब दीजिए। मणिपुर मणिपुर अकेली घटना नहीं है, 77 दिन बाद जब वो वीडियो बाहर आया उसके बाद 24 घंटे में 7 लोग गिरफ्तार हो गए, तो 77 दिन क्यों एक्शन नहीं हुआ? और दूसरा सवाल महिला रेसलर्स को लेकर, दोनों सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आज आपको। नाविका जी, मैं तो कह रहा हूं कि मेरे जैसे छोटे प्रवक्ता को इस बड़े चैनल पर नहीं, हम तो संसद में इनके जवाब देना चाहते हैं। और अभी एक बात विवेक जी ने अच्छी कही, विवेक जी ने अभी अच्छी बात कही, विवेक जी ने कहा देश की आधी आबादी। नाविका जी, मुझे लगता है कि गंभीर चर्चा में नाविका क्या तरीका है डिबेट का, नाविका जी तरीका डिबेट का, मेरे बीच में इंटरप्शन किया जा रहा है नाविका मेरे बीच में। मानव जी जवाब, मानव जी जवाब मांगा है तो जवाब सुन भी लीजिए ना, मानव जी जवाब मांगा है जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही। वो संसद पहुंचेंगे, वो संसद पहुंच के जवाब देंगे। भाई टीवी पे जवाब दीजिए, पहले अपने अपने नेता को बोलिए संसद की पार्टी देगी, उनकी पार्टी देगी। नहीं नहीं, अरे पहले उनके नेता तो आए, उनकी पार्टी देगी, उनकी पार्टी देगी। सबसे बड़े नेता संसद में तो आए, मौनी बाबा संसद में तो आए। नाविका, एक तरीका अगर आपको संसदीय और सही लगता है तो इस प्रकार से चल सकता है, परंतु आपने मेरा नाम बोला, मैंने 5 सेकंड बोला, बीच में हस्तक्षेप हुआ, आप तय कर लीजिए कैसे करना। शहजाद पूनावाला, मानव मानव जी, मैं आपका फेडर डाउन करूंगी, क्योंकि पहले शहजाद जवाब देंगे उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, सबके फेडर डाउन। शहजाद, नाविका जी मैं तो कह रहा हूं कि किसकी क्या जवाब दी है ये तो संसद में तय होने के लिए आइए और चर्चा आरंभ कीजिए, परंतु अगर आप बात करें ना, अभी बंसल जी ने कहा देश की समस्या है, आधी आबादी की समस्या है, एक वाक्य सुनिए। अब कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं? मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त किया गया, वहां की बेशर्म मंत्री आकर कहती है कपड़े निकल गए, कितना भी निकला है, क्या इस पर बंगाल की बेटियों के लिए न्याय नहीं होना चाहिए? राजस्थान की बेटियों के लिए अगर कोई कहता है तो उसको निकाल दिया जाता है मंत्रालय से, क्या उस पर चर्चा ना हो? और जो अनुराग भदौरिया यहां पर बैठकर, अनुराग भदौरिया बहुत ज्ञान दे रहे हैं, गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट दे दिया जब वो कन्विक्ट हो गया, और उसके लिए कैंपेनिंग अखिलेश यादव कर रहे थे। सपा के सांसद कहते हैं महिलाएं आवारा हो जाती है 21 साल की उम्र में। मुलायम सिंह यादव कहते थे कि बलात्कार हो गया, रेप इज रेप, क्या हो गया, बॉयज विल बी बॉयज। ये लोग आज महिलाओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने रेप केसेस को फेक बोला, मालदा को फेक बोलने वाले आज माफी मांगे। मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी सवाल ये है कि मणिपुर की घटना निंदनीय है, और मुझे लगता है इस देश में अगर कोई सच्चा हिंदुस्तानी है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस तरह की वो घटना थी। लेकिन बंगाल की भी घटनाएं हैं, देश के अन्य हिस्सों की भी घटनाएं हैं, राजस्थान की भी हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि आपके दोहरे मापदंड क्यों होते हैं? कौन मालदा, कौन बंगाल की घटनाओं का जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जवाब देगा? राजस्थान के लिए राहुल गांधी एक ट्वीट नहीं करते, प्रियंका गांधी वाड्रा एक ट्वीट नहीं करती, दोहरे मापदंड क्यों हैं? महिलाएं तो महिलाएं हैं, सारी इस देश की ही महिलाएं हैं, क्यों आपको उनका दर्द नहीं होता? पहले तो नविका जी, दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में आपको देखना। मई 4 तारीख की घटना है, जब तक वीडियो वायरल नहीं हुए तब तक देश को पता नहीं चला। सबसे पहले ये जो घटना नहीं है, दुर्घटना नहीं है, ये हादसा नहीं है, ये सबसे मर्मन्ता वाली इतिहास। 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, उसको आपने कहा लव अफेयर था। अरे अरे, आप किस मुंह से बोल रहे हैं? आपने मालदा का वीडियो आने के बाद फेक बोला है? नहीं है, सुनिए, आपने मालदा को वीडियो आने के बाद फेक बोला है? संवेदना रखते हैं, ममता बनर्जी के प्राण से आते हैं, ममत्व का निर्वाह किया है, आपके जैसे नहीं है। मालदा को फेक बोल रहे हैं, शरीर के सारे हड्डियों को तोड़वा के आज वो नेत्री बनी है। आप कौन है? वो कैसे भी नेत्री बनी है, पर उन्होंने लव अफेयर बोल दिया रेप केस को, पूरा हाईजैक कर दिया, पार्क स्ट्रीट रेप केस को उन्होंने फेक बोला। मालदा का फेक है, आज जितना शर्मी की हद है। नेता को बोलिए पार्लियामेंट में जवाब दे, पार्लियामेंट में क्या नहीं जवाब देना, आप तो पार्लियामेंट में बोलना चाहते हैं ना। अरे पर आप अपनी मुख्यमंत्री की तो जवाब दे, मोदी जी कहाँ है, पार्लियामेंट में पहुंचेंगे? अरे मोदी जी आपको दिख नहीं रहे हैं, मोदी जी आपको दिखाई भी नहीं देंगे, मोदी जी जनता को दिखते हैं, मोदी जी
जनता के साथ होते हैं, आप जैसे लोग तो बलात्कार के वीडियो को नहीं देख पाते हैं, आप जैसे लोग तो मालदा में निर्वस्त्र होने वाली महिलाओं का वीडियो नहीं देख पाते हैं, आपको मोदी जी कहां से दिखेंगे भाई? पेट्रोल मिला जनता, अरे सब चंदा खोरी है ये भाजपा, चंदा खोरी उसे चल रही है, आपकी पैसे भी उसी चंदा। मालदा का वीडियो फेक है या सही है? मालदा का वीडियो फेक है सही है? सुनिए सुनिए, मालदा वीडियो फेक है सही है? मालदा का वीडियो फेक है सही है बताइए? अब चश्मा उतार, मालदा का वीडियो फेक है सही है? और मालदा में जो हुआ है वो निंदनीय है, रहेगा और होगा ऐसा ही, वो निंदनीय ही है, लेकिन जो हुआ है उसको मणिपुर तो ममता दीदी ने फेक क्यों कहा? ममता दीदी ने फेक क्यों कहा? ममता दीदी ने फेंक क्यों कहा? आपकी मंत्री ने क्यों कहा? सब कितने कपड़े निकले, जितने भी निकले, निकले तो निकले। हावड़ा में आपने क्या किया? मानव जायसवाल जी, एक महिला होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर रही हूँ। यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है कि मणिपुर की बात करो, बंगाल की बात करो, राजस्थान की बात करो, यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है। आप सुनिए, आप सुनिए इस बात को, मणिपुर उछाला जाएगा लेकिन बंगाल की बात पर धूल डाली जाएगी, ये सही नहीं है, ये सही नहीं।